अमृतसर दे विच वड्डियां वारदातां हो रही ने, रोजाना ही ये खबरां आउंदियां रहिंदियां ने कि किसी व्यक्ति का कतल हो गया जां किसी व्यक्ति दे उपर तेज़ धार हथियारां दे नाल हमला कर दिता गया। अजिही खबर आ रही है कि अमृतसर दे एक होटल दे मालक दे उपर प्रभप्रीत सिंह चड्डा दे उपर अते उसदे ड्राइवर गुरप्रीत सिंह दे उपर अणपछाते व्यक्तियों द्वारा तेज़ धार हथियारां दे नाल हमला कर दिता गया, तां उन्हां दोनों नूं गंभीर रूप दे विच जख्मी कर दिता गया। तुहानूं दस दईए कि वड्डी खबर अमृतसर तो आ रही है जिथे कि अमृतसर दे विच एक होटल दे मालक प्रभप्रीत सिंह चड्डा ते उसके ड्राइवर गुरप्रीत सिंह दे उपर कुछ अणपछाते व्यक्तियों द्वारा तेज़ धार हथियारों के नाल हमला कर दिता गया था। उस तो बाद मौके ते पुलिस प्रशासन पहुंचा, ना तो पुलिस प्रशासन के वलों मौके की जाँच की गई, सारे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। तो जो होटल के मालिक प्रभप्रीत सिंह चड्डा तो उसका जो ड्राइवर है गुरप्रीत सिंह जदों गंभीर रूप के जख्मी हो जाता तो उसनू नज़दीकी हस्पताल गुरु नानक देव हस्पताल अमृतसर के इलाज के लिए भर्ती करवा दिता जाता। तो तुहानू दस दिए कि पीड़ित प्रभप्रीत सिंह चड्डा का बयान आया, उन्हों का कहना है कि उन्होंने उपर पहला भी कई बार जानलेवा हमला हो चुके आ, तो उन्होंने बार बार पुलिस को तलाह दे चुके हैं पर पुलिस के वलों बनती कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस दे चलते ही अज कुछ अणपछाते व्यक्तियों द्वारा उन्होंने तेज़ धार हथियारों के नाल हमला किया गया। तो तुहानू दस दिए कि अज हुण प्रभप्रीत सिंह चड्डा जो होटल के मालिक ने प्रभप्रीत सिंह चड्डा द्वारा पुलिस प्रशासन को अपील की गई आ कि उन्होंने उन्होंने परिवार का जो जानी नुकसान होने तो बचा किया जाए, उन्होंने सुरक्षा की जाए ता जो भविष्य के अजिही अणहोनी घटना ना वापरे। सत श्री अकाल जी, मैं प्रभप्रीत सिंह चड्डा हाँ, तो मैं अमृतसर शहर का वासी हाँ, मेरे परिवार के कई होटल ने अमृतसर शहर विखे, तो असी होटल के कारोबारी हाँ। कल रात को मेरा ग्रैंड मिलियन नाँ का जो मैं बैंकुट हाल के अंदर काम कर गया सी, आपका कारोबार वेखन गया सी, ते मैनू रात को तकरीबन 7:30 बजे कुछ बंद ने आके मेरे उत्ते हमला करता। ये बंदे जिहड़े जिन्हां ने आके मेरे उत्ते कल रात को हमला किया, मेरे उत्ते कई बारी छुरे ते किरचां मारियां, ते मेरे लक ते मेरे ढिड ते मेरे छाती च छुरे मारे। मेरे जिहड़े एक ड्राइवर साहब हुंदे ने जिहड़े मेरे नाल जिन्हां ने कल मेरी जान बचाई, उन्होंने सिर च उन्होंने मूँह ते उन्होंने हत्थां च छुरे मारे, उन्होंने हड्डियां तक तोड़तियां, तो उन्होंने कल सवेरे इत्थे प्लेटां पैनियां, उन्होंने ऑपरेशन भी है। तो ये बंदे मैनू पिछले कई महीनों तो तंग परेशान कर रहे हैं, इन्होंने अगे भी 2-3 बारी मेरे उत्ते जानलेवा हमला किया। एक बारी जदों पिछे जी करके कुछ महीने पिछे करके इन्होंने मेरे होटल पर कब्जा करन दे मारे, मेरे उत्ते रात को कई बंदियां नाल हमला किया, मेरा करोड़ों का समान, मेरा होटल का समान, मेरे होटल का कैश, मेरा होर अपना, मेरे लोगों के मेरे मोबाइल फोन, मेरे होर जिहड़े नाल डायरेक्टर काम करते हैं जिहड़े जिन्हां चों एक मेरे अपना सरदार सतेंद्र सिंह जी जिन्हां का नाम है, उन्होंने मारिया कुटिया, उन्होंने सिर के उत्ते पिस्तौल लाता कि भी तुसी अपना किसी भी तरीके तुसी इतों बाहर निकलो, साड़ियाँ तिजोरिया तोड़ के विचों समान चोरी कर लिया। तो ये परवाह ये जिहड़े शिंगारी ने ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तो सानू पूरा विश्वास है सरकार ते अपना पुलिस विभाग से कि सानू साडा इंसाफ मिलेगा। उनकी मांग की करते भाई? हाँ जी जी, मांग की करते भाई, की कह रहे हो जी? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, मैं इन्हां नाल ड्राइवर के तौर पर काम करता हाँ जी। तो इत्थे कल ग्रैंड मिलेनियम च मीटिंग भी गए हुए सी जी, तो
ਉੱਥੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਰਚੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਪਗੜੀ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਰਾਂ ਆਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਮਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 220/2/2023 334-52-34 IPC ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆਊ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਤੀ ਹਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆਊ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਗੇ।